इसमें तो ने गुड़ गाल के रखा है। आपको आपके न्यूजीलैंड में आकर पुजारी किस तरह बनाया जाए तो। देखो भाई पीपल का पेड़ भी है और धागे धुगे बन रहे हैं। Hey guys, welcome back on my channel. तो guys, आज है मंडे है, आज रामवर की हाँ सोमवार की सोमन की आरिया छोरी या छोरी अब तक ना उठी है, देख लो उठ रही हूँ मैं तो, अब तक पहले उठी थी मैं। चार बजे उठी थी हाँ, चार बजे उठी थी मैं, मेरे रूम को फोन लेना है तो मैं जाग उठी थी, मैं 4 बजे उठी थी। इंडिया वाला जोड़ा खोल लिया आज मैंने, इंडिया का जो सूट लेकर आई थी मैं, मखा चलो फिर तो बारिश आ गई जी सा सूट पहन दे गया बारिश मैंने ठंड होएगी। चलो गाइस यू के मिला दिया सोनाली, दिस इज गोल्ड चरणामृत। अरे बनाते नहीं है क्या, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो दही दूध और घी और पानी लगा के बस। तो आज तो सिर्फ सब्जी साथ साथ प्रकट होएगा, निकलेगा मांगो जो मांगना है। मंदिर में देख ले मौसम किसा है आज का, अभी तो धूप है गाइस, धूप निकली हुई है आज हमारे काफी टाइम के बाद। चलो तो चलते हैं, स्वेटर स्वेटर भी पहननी है के मैंने तो ना पहनी, आज तो सूट दिखाओगे आप, मेरा सूट ना दिखेगा कुछ, मैंने स्वेटर पहन ली तो दामा यार सुबह दिखे दादा कौन ही संभाल बैठे है। आज सही बढ़िया मौसम हो रहा है गाइस, देखो पूरा पे धूप निकल रही है, किते गाड़ी अच्छा नीचे है के मैं सुना ली के लिया, इसमें तो जोत है या माचिस ये मौसम देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा, खा के मैं रील बनाऊंगी गाइस, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मेरी रील देखने के लिए। देख लो भाई मौसम क्यों खबर चालन दे, घूमने के लिए जाते हैं एक और एफएम पे चल रही इंडिया की न्यूज बता रहे हैं, इंडिया में बाढ़ आ रही है, बनाया हुआ था अभी बताया जा रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर, destination is on your left. Oh, log bag bhi hai. Dekho guys, peepal ka ped bhi hai aur dhage dhuge ban rahe hain. Hain? Ye ra mandir, New Zealand mein ye mandir hai. Aur ek area mein hai. हाँ हाँ काट देवांगे वेरी का चप्पल काटने की जगह या के है इनका है। लेकिन कोई कोई ऐसे होता है किसी किसी को नमक कम भी हो जाए शरीर में तब भी दिक्कत आती है, तो नहीं हो सकता तो जो शिंदा नमक है उसको दोष नहीं तो भाई दिए बार दरा है सारे तो गाइस हमने मंदिर में कर लिया अपना जोत लगा ली, जो भी कुछ करना था पानी वानी देना था जल चढ़ाना था कर दिया, अरे वाम
पंडित ने हमारा टिक्का लगा दिया, हमारे प्रसाद दे दी, बर्फी दी थी मारते हैं, तो मेरा सुना लेगा तो फास्ट है री मारे नाम की चर गया। मंदिर की उसमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब मंदिर में न्यूजीलैंड में आके पुजारी किस तरह बनाया जा है, तो वह देखनी हो तो वह भी जाके पीछे देख लियो, मैं कर दूंगी किसी ने अगर पुजारी बनना हो तो न्यूजीलैंड में। तो गाइज हम घर पहुंच गए हाँ, इब हम देवांगे सूरज तक पानी, मैं तो ना भी देऊ ये सोनाली राठी बोली दिया करे, चल सोनाली सूरज कहाँ पे है जिसा दिखे है वो सामी दिखे उस तई साथ दे ले। ओके तो गाइज बाहर एक नंबर की धूप निकले आई, दो मिनट पहले इतना अंधेरा सा हो रहा था ना, मैंने बाहर मैंने सोची धूप ना लकड़ा है तो मैंने अपनी इंस्टा की रील बनाई, क्योंकि मेरा रील बना क्योंकि आपने जब बोला ना रील बनाने तो मेरा मन नहीं था बनाने का, तो इसलिए भगवान जी ने मतलब ऐसा कर दिया कि ठीक है। तो सोनाली राठी ने बना दिया बनाना शेक और एक वीआईपी आदमी बनाने लग रहा है पोहा, सोनाली ने बना दिए बनाना शेक, अब लोग बोलेंगे कि सोनाली तुम भी गिर लो इसमें ना बादाम ना गिरने, अब लोग बोलेंगे सोनाली से सारा काम करवाती है, नहीं गाइस प्रीति चार करती है सारा काम, नहीं सारा तो नहीं करती मैं, लेकिन प्रीति चार ने मैं डाला प्रीति चार ने दूध और डालना पड़ेगा इसमें जूठी फिर दोबारा वो भी घाल तो हाँ आप आपका दूध मिला है शानी देख लो इसने मेरा यो कब भर के दर दिया, अरे बाप का मैं नारा में दूध आज पकड़ी गई तो अच्छा आपके में केले ज्यादा हो गए, अरे यार लो जी तो लगाते नहीं हो दूध से क्या होता है। तो गाइज लोग कमेंट करें, उससे पहले मैं बता दूं लोग बोलेंगे सोनाली का वीजा इसको काम करवाने के लिए लगाया गया है, तो गाइज ये अभी जॉब पे जाएगी 8 बजे के बाद आएगी, तो रोटी सब्जी सब कुछ प्रीति चार के द्वारा बनाया जाएगा। जब हमें खाना होता तब तो नहीं बनाता तू ऐसा स्वादिष्ट को आए खुशबू इतनी अच्छी हो जिसकी आज मैंने भी खुशबू आई पर मैं बोली कौन नहीं तेन को भाई पोहा तो तू खावे ना आज तन बड़ी मैं खा रहा हूँ तो खाती हूँ ना पोहा क्या क्या डाला है तूने आज खुशबू बड़ी आई है ना आज खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आई है जो चीज जब खानी ना हो ना तो उसकी खुशबू बड़ी आई लग गया ये दो मैं एक दिन किचन में ना हूं ना तो गाइस इस घर का ना ये दोनों जने मिलके है ना बिना ने के बना दे रुक जाओ मंडे से आपका स्कूल खुलने दो एक ही टाइम किचन में आया करोगे फिर आप फिर भी हम साफ सुथरा रखते हैं आपकी अभी हाँ, मैं ना ठाऊ ने दो दिन से घर बर्तन धोड़े ना उठाऊ रात है झूठ मत बोलो बात आपको बिल्कुल साफ मिलता होगा बिल्कुल स्लैब लैब सब साफ करके जाती हूँ मैं एक आध दीवारे से होता होगा साफ मिले है पर ये बर्तन दो दिन के हो जाए पूरे सूखे सूखे अच्छा सूखे सूखे ये हाँ ये हो सकता है दो तो देते हैं पेंट्री में जाना मेरा तो काम के मैं काम ना करते आप एक दूसरा का ब्रेकफास्ट नहीं करते आपके सुबह के बर्तन कौन साफ करते हैं जो आप इसे रख के चले जाते हो तो लिपस्टिक लगा कर पानी पीऊंगी तो फिर लग गई भाई इतने सारे फ्रूट इतना ज्यादा जूस बनाओगे क्या हाँ घना थोड़ी बनेगा इनका तू भी पिएगा क्या अच्छा तेरा तो रिवाज है तो गाइस प्रीति चार बना रही है अब जूस अच्छा मुरब्बा कल लाए थे जो चलो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं जूस कैसे बनाएं कम ऑन
लाइट ऑन कर दो पेंट्री की। तो गाइस ये है हमारी पेंट्री, ये हमारा जूसर, ये है हमारा जूसर। तो गाइस मैंने जूसर सेट करा है इस घर में, मेरे हाथों के लगे बिना कोई काम होता नहीं है। वो जूस आला किधर है देख, इसमें तो ने गुड़ गाल के आपके पति ने, आपके पति का काम। तो कोई ना कपड़ा मार के साफ हो जाएगी। नमक नहीं डाला है अभी, बर्तन में नमक डाला है। बिना नमक के तो जूस में टेस्ट ही नहीं आएगा। नींबू तो नहीं तोड़ सकते हैं। मैंने क्या तो जान भर गया ठीक है, और इतना सारा और बच गया तो मैंने बोलू तेरा पैक भी कर ले जाइए। अच्छा पहले पीते हैं फिर बचेगा तो पैक कर लूंगी। बचेगा क्या हो रहा, गाजर भी नहीं डाली और अभी तो ठीक है। तो गाइस हम से सोनाली की सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं ठीक है ना। देखो गाइस इसमें से दिख नहीं रहा, लेयर नहीं दिख रही यार। ये बीट रूट है, ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। और जो मैं गाजर वगैरह तो मतलब ना अलग से ऑरेंज अलग अलग लेयर आ जाए। हाँ, ऑरेंज आ जाता है अलग से। आज पता आप कैसे लग रहे हो, इधर तो बहू है घर में काम नहीं करती है, चुन्नी बुन्नी ओढ़ के पूरा। आज मैं फील ले इंडिया वाली खास मैं दू। तो गाइज अभी इनको मैं पिलाऊंगी झाग और मैं पिलाऊंगी जूस। झाग हट जाएंगे अपने आप, जूस जूस आएगा देखा। लो सुना ले आठी टेस्ट करके बताओ। कितनी ठंडा भर दिया मेरा तो, बस नमक की कमी है। चुपचाप पी ले और बना के लाओ। तो गाइज अभी बज गए हैं रात के मतलब 8 बजने वाले हैं और सोनाली गई है जॉब पे। मैंने आटा लगा दिया, सब्जी बना दी, जब वो आएगी तो मैं रोटियां बना दूंगी। और अभी मैं करूंगी मतलब आधा घंटा है, 7:30 हुए हैं, तो अभी मैं करूंगी कपड़े फोल्ड जो हमने धोए थे। देखो कपड़े ये धोए थे, ये अभी करने हैं फोल्ड। तो जब तक ये लोग आएंगे तब तक मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी। तो गाइस सोनाली राठी आ गई है, रात 23 ने मिल गए पकवान बने बनाए। और ये देखो टीवी। तो हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।